नमस्कार दोस्तों, मैं सोमयू रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने और एक नया मोबाइल ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। और मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप पहला बार मेरे चैनल पे आए हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को तोड़ना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये मोबाइल ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे सिंपल मूविंग एवरेज 7, सिंपल मूविंग एवरेज 14, न्यूजीलैंड डॉलर स्विस फ्रैंक जो कि 90% यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। और मैंने ये निर्णय लिया है कि मेरा पहला जो इन्वेस्टमेंट होगा, पहला इन्वेस्टमेंट बेसिकली $100 का होगा और मैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेड मैं एक्सपायर कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब जो चॉइस है ये आपका पर्सनल चॉइस है, कितना परसेंट प्रॉफिट आपको चाहिए, कौन सा एसेट पे आप ट्रेड करोगे, कौन सा इंडिकेटर आप यूज करोगे, ये सब चॉइस आपका पर्सनल है। कौन सा कितना टाइम फ्रेम आपका रहेगा और क्या इन्वेस्टमेंट आप करोगे, ये आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली कोई भी मार्केट कंडीशन में कैसे आपको सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर हेल्प कर सकता है। और मैंने पहला ट्रेड ओपन कर दिया है 2 मिनट का $150 का दोस्तों। और यहाँ पे ड्रैगन ट्रेड लेने का भी हम लोग के पास चांसेस आएगा। आप लोगों को पता है कि ड्रैगन ट्रेड 1 मिनट का ट्रेड होता है जहाँ पे हम लोग सडन मार्केट में जो चेंजेस आता है, जो चेंज हम लोगों को दिखता है उसको हम लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि न्यूजीलैंड डॉलर स्विस फ्रैंक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और मैंने और एक ड्रैगन ट्रेड यहाँ पे $150 का ओपन किया है, 1 मिनट का ट्रेड एक्सपायरी टाइम। और अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि सिंपल मूविंग एवरेज 7 इंटरसेक्ट कर रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 14 को और ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इंडिकेटर्स यहाँ पे चार्ट के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे तुरंत कोई मौका ना गवा के मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया है और यही चीज़ आप लोगों को भी करना है। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे हड़बड़ी का कोई जगह नहीं है, लेकिन राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने का यहाँ पे आपको पुरस्कार मिलता है, वो है आपका जब ट्रेड प्रॉफिट होता है। तो राइट टाइम और राइट मोमेंट का आपको इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको दिखे कि कोई भी मूवमेंट हो रहा है वहीं पे आप छलांग मार के एक ट्रेड ओपन कर लो, ऐसा बात नहीं है। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको यहां पे नुकसान ज्यादा हो सकता है लाभ से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वेट करना है सही टाइम का। टाइम जब सही होगा तब आप आराम से ट्रेड ओपन कर सकते हो और आप आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। और मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड $250 का लिया है और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये थोड़ा ऊपर मैंने ट्रेड इसको ओपन कर दिया है। इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, 44 सेकंड्स का टाइम है अपने पास। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं $32, $35 पे मैंने इसको क्लोज किया है। और यहाँ पे मैं वेट करूँगा, वेट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करूँगा ताकि हम लोग का जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। बेसिकली ये लॉस नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप पूरा का पूरा आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप
दाव पे नहीं लगाते हो, उसको आप मतलब सेक्रीफाइस नहीं करते हो, उसको आप सेव करते हो। और मैंने वही किया कि थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसको मैंने सेल किया, क्विक सेल किया, और जो भी मुझे वहां से रिटर्न आना था वो मुझे रिटर्न आया, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने $450 का एक ट्रेड ओपन किया है, एक मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे अपने पास, वेट करते हैं। और एक ट्रेड $450 का ड्रैगन ट्रेड, दोनों ड्रैगन ट्रेड यहाँ पे अभी चल रहा है मेरा। $900 का यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है जो कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। जो पहला ड्रैगन ट्रेड था, पहला ड्रैगन ट्रेड पे अभी भी हम लोगों को जो रडार है वो अभी भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ऊपर नहीं हुआ है। यहाँ पे 238, 198, 450, 85 और यहां पे कुछ मुश्किल का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। अचानक एक मूवमेंट जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे ये ट्रेड हम लोगों को लॉस गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर एसेट को यहाँ पे चेंज करना जरूरी है, क्योंकि एसेट आपको ये जो मूवमेंट है मूवमेंट को टैप करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ड्रैगन ट्रेड लिया जा सकता है $450। तीन ड्रैगन ट्रेड मैंने लिया है एक के बाद एक, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बढ़ाएंगे। और यहाँ पे आखिरी ड्रैगन ट्रेड मैंने लिया है यूरो न्यूजीलैंड डॉलर पे, अभी सिर्फ वेट करेंगे और देखेंगे, ट्रेड एक्सपायर जब होता है उस टाइम का हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। थोड़ा वेट कीजिए, आगे बढ़ रहा है अपना गाड़ी। चार टोटल ड्रैगन ट्रेड्स हैं यहाँ पे, जहां से तीन हम लोगों को यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिख रहा है, एग्जैक्ट प्रॉफिट हम लोगों को तीन ट्रेड पे एग्जैक्ट प्रॉफिट दिख रहा है, ये रहा। और अभी 6 सेकंड बचा हुआ है यूरो न्यूजीलैंड का जो फाइनल ट्रेड है वो एक्सपायर होने में। तो ये रहा अपना तीनों का तीनों ट्रेड दोस्तों। अभी यहाँ पे चार ट्रेड हम लोगों ने ओपन किया था जहाँ पे हम लोगों को टोटल नुकसान किया हुआ, देखिए ये तीन ट्रेड हम लोगों को नुकसान हुआ, ये एक चौथा, बाकी का बाकी हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों के पास अभी भी समय है कि हम लोग इस मूवमेंट को टैप कर सके। $600 का दो ट्रेड मैंने ओपन किया, मतलब $1200 का यहाँ पे मेरा ड्रैगन ट्रेड है। आज मेरे हिसाब से ये जो एसेट है यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, ये अभी बेयरिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहाँ पे बायर्स पावर में है। तो इनिशियली जब ये ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा था थोड़ा बहुत यहाँ पे हेजीनेस था, लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी जो हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों, ये हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे आप और भी ड्रैगन ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो और ट्रेड्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आपको सही टाइम का वेट करना है। देखिए ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जहां पे आपको हर दिन के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से हर ट्रेड आपको प्रॉफिट मेरे हिसाब से हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर आप निवेश करते हो, सही तरीके से अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तब आपको प्रॉफिट बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे एक यूरो न्यूजीलैंड डॉलर पे हम लोगों को रिफंड आया, क्योंकि ये नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन था, दूसरे पे हम लोगों को
प्रॉफिट आया और आप लोगों ने देखा कि 90% के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया और मैंने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाया। तो मैं आप लोगों को पूरा जो ट्रेड रिकॉर्ड है वो दिखा देता हूँ। एक ट्रेड हम लोगों को रिफंड, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, यहाँ पे चार ट्रेड में से तीन ट्रेड प्रॉफिट, मतलब 90% का यहाँ पे प्रॉफिट। और इससे पहले हम लोगों को दो ड्रैगन ट्रेड लॉस हुए हैं और एक ट्रेड मैंने अर्ली एग्जिट किया है जहां से मुझे $27.50 रिटर्न आया है। और सबसे पहला जो दो ट्रेड है, ये दो ट्रेड भी हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वीडियो को एकदम शुरू में लेके जाइए और तब देखिए कि मेरा अकाउंट बैलेंस क्या था। और ये वीडियो अभी मैं खत्म करने वाला हूँ। ये वीडियो से मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो और अभी मेरा टोटल अकाउंट बैलेंस क्या है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये वीडियो से आप लोगों को ये सीख जरूर मिला होगा कि एज ए ट्रेडर आपको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी आप करोगे तो आपको कभी कभार लॉसेस हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस से काम लोगे, धीरज से काम लोगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी, क्योंकि मोबाइल से ट्रेडिंग करो या लैपटॉप से ट्रेडिंग करो, बात बराबर है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक से रजिस्टर कीजिए, 50% वेलकम बोनस आपको मिलेगा। मेरा जो ग्रुप है, ओपन ग्रुप सीखो ट्रेडिंग, ज्वाइन कीजिए। और आखिरी जो लिंक है तीसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मेरा डायरेक्ट टेलीग्राम आईडी है। अगर आपको कोई सवाल है, हिचकिचाइए नहीं, डायरेक्टली मुझे लिखिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।